मिस इंडिया मिस्टर इंडिया जैसे खिताब के लिए आप अक्सर पीछे के चेहरे को एक लड़की के रूप में खूबसूरती के रूप में देखना चाहते होंगे, लेकिन अगर यही खूबसूरती किसी बहू या महिला में आ जाए तो बहुत हैरानी का सबब है। रोहतास जिले के चुनारी प्रखंड क्षेत्र के पांडेडीह गांव की उमाकांत पांडे की बेटी प्रज्ञा पांडे ने उत्तराखंड के नैनीताल में SSR इंटरनेशनल आयोजित मिस एंड मिसेस इंडिया प्रतियोगिता में मिसेस ईस्ट इंडिया का खिताब हासिल कर लिया है। इस खिताब की दावेदारी के लिए 30 प्रतिभागी थे, जिसमें प्रज्ञा ने यह खिताब जीता ही नहीं बल्कि सूबे का नाम भी देश भर में रोशन किया है। ये प्रतियोगिता 19 नवंबर को आयोजित हुई थी। प्रज्ञा इसी साल जुलाई महीने में मिसेस बनारस प्रतियोगिता में भी रनर रह चुकी हैं। इस जीत के साथ ही प्रज्ञा का हौसला बुलंद हुआ और उन्होंने नवंबर 2018 में मिसेस इंडिया की कंपटीशन में शामिल होकर टॉप 10 में जगह बनाते हुए अंतिम रूप से मिसेस इंडिया का ताज हासिल कर ही लिया। उनकी इस नई उपलब्धि पर जिले के साथ युवाओं में उत्साह और हर्ष का माहौल है। प्रज्ञा ने बातचीत के दौरान अपने इंटरव्यू के दौरान बताया है कि उनकी मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई चेनारी से हुई थी, जबकि शादी के बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से स्नातकोत्तर की डिग्री ली। बता दें कि प्रज्ञा की शादी बनारस के ही निवासी अमित कुमार पांडे से हुई है। वो एक गृहिणी हैं और उनके पति डॉक्टर अमित कुमार तिवारी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। प्रज्ञा का 13 साल का एक बेटा भी है। अपनी सफलता पर प्रज्ञा ने बताया है कि मिस बनारस प्रतियोगिता में एक पूर्व मिसेज इंडिया मल्लिका राय से मुलाकात हुई थी, जिनसे उसने मिसेज इंडिया प्रतियोगिता के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। मिसेज बनारस में रन रहने के बाद प्रज्ञा ने ठान लिया था कि मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करेंगी। साथ ही प्रज्ञा ने कहा है कि शादी के बाद लाइफ खत्म नहीं होती है, पति बच्चे और परिवार सबकी अपनी अहमियत है, लेकिन अपने लिए जीना भी उतना ही ज़रूरी है। आज इस कंटेस्टेंट में भाग लेने के लिए मुझे खुद भी गर्व हो रहा है, इसमें मेरे पति और परिवार का पूरा सपोर्ट मिला है। प्रज्ञा ने सफलता का श्रेय अपने माता पिता, पति और अपने ससुराल के सारे परिवार को दी है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।